हेलो स्टूडेंट, आई एम रानी दुबे, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 10। नेम इज द फार्मर एंड हिज सन्स। सो ओपन योर बुक। पेज नंबर 43। किसान और उसके बेटे। देयर वाज वंस अ फार्मर। एक बार एक किसान था। हु ओन्ड अ बिग फार्म। ऑन द फार्म ही ग्रू वीट, राइस, कॉर्न एंड वेजिटेबल्स। द फार्मर वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ऑन हिज फार्म। जो कि एक खेत का, एक बहुत बड़े खेत का मालिक था। वो खेत पर गेहूँ, चावल, मक्का और सब्जियाँ आदि उगाता था। वो सुबह से लेकर रात तक खेत में काम करता था। द फार्मर हैड 3 सन्स। द सन्स वर वेरी लेजी। दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर इन द फील्ड। थ्रू आउट द डे दे वुड आइदर सिट अराउंड एंड टॉक और स्विम इन द कैनाल नियर देयर फार्म। किसान के 3 बेटे थे, लेकिन वो तीनों के 3 क्या थे? लेजी, यानी कि आलसी थे। वे अपने पिता की खेत में कोई भी मदद नहीं करते थे। जो भी वो खेत के काम करते थे, खेती बाड़ी का पिता, उसमें उनकी हेल्प नहीं करते थे। और सारा दिन वो इकट्ठा होकर के बैठे रहते थे या बातें करते थे, या नहर जो थी उसमें तैरते रहते थे। और नहर उनके खेत के पास ही थी, खेतों के पास ही वो बैठे रहते, बातें करते, तैरते नहर में, लेकिन खेतों में काम नहीं करते थे। द हार्ड वर्किंग फार्मर ग्रू ओल्ड एंड फेल इल। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, आई एम ओल्ड एंड वीक, आई विल नॉट लिव लाइव मच लॉन्गर। वेन आई डाई डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लुक आफ्टर द फार्म द बे आई हैव डन, ऑल माई वेल्थ इज वरीड इन द फील्ड। कड़ी मेहनत करते करते किसान जो था वह बूढ़ा हो गया और बीमार हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और कमज़ोर भी हो गया हूँ, और मैं अब अधिक दिनों तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपना समय ख़राब मत करना, समय बर्बाद मत करना। मैंने खेतों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है और मेरा सारा धन, अभी मैंने अभी तक जीवन भर जो खेती बाड़ी करी है मेहनत करके, वो सारा धन मैंने खेत में गाड़ दिया है। द फार्मर डाइड अ फ्यू डेज इटर। द सन्स रिमेम्बर्ड व्हाट देयर फादर हैड टोल्ड देम। और कुछ दिनों के बाद वह किसान जो था वह मर गया, उसकी मृत्यु हुई। बेटों को याद था कि उनके पिता ने उनसे क्या कहा है। टर्न द पेज प्लीज। लेट अस डिग द फील्ड एंड फाइंड द वेल्थ दैट इज वरीड अंडर स्नीथ, दे सेड टू ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमें खेतों को खोद देना चाहिए, क्योंकि उसमें धन गड़ा हुआ है नीचे उसके मिट्टी के। द यंग फार्मर्स डग अप द फील्ड्स बट दे डिड नॉट फाइंड एनी टिश्यू, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। ये ट्रीट श्योर लिखा है, ये ट्रेजर है इसमें, ये ट्रेजर का मतलब खजाना। इसकी स्पेलिंग है TREASURE। ये बीच में टी लगा है, ये गलती से लग गया है। तो जो जवान लड़के थे उसके, किसान के, तो उन्होंने खेतों को खोद डाला।
लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई खजाना या धन उनको नहीं मिला, इसलिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, यानी कि निराश हो गए। ए फ्यू डेज लेटर देयर वाज अ स्टॉर्म, इट रेन्ड हैवीली। द एल्डेस्ट सन सेड, वी हैव डग अप द फील्ड्स, द रेन हैज सॉफ्टेंड द अर्थ, लेट अस शो सीड्स, वी टेंड कॉर्न इन द फील्ड्स। कुछ दिनों बाद एक बहुत तेज तूफान आया जिससे कि भारी बरसात हुई। जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा कि हमने खेतों को खोद लिया है और बरसात से मिट्टी है वो सॉफ्ट हो गई है, गीली हो गई है, तो हमें उसमें गेहूं और मक्के के बीज डाल देना चाहिए, बो देना चाहिए खेतों में। ऐसा विचार उसने रखा सबके सामने और उन्होंने बो दिया गेहूं और मक्के को। सून द फील्ड्स वर ग्रीन, द यंग फार्मर्स हैड अ रिच क्रॉप दैट ईयर। जल्दी ही फसल जो थी वो हरी हरी लहलाने लगी खेतों में और जो उनके बेटे थे उनको एक अच्छी फसल प्राप्त हुई इस साल। नाउ आई नो व्हाट फादर मीन अबाउट द वेल्थ बरीड इन द फील्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर। सबसे छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी के कहने का मतलब अब मुझे समझ में आया कि ज़मीन में धन गड़ा हुआ है। दिस रिच क्रॉप इज़ द वेल्थ ऑफ द फील्ड्स, ये हमारी अच्छी फसल ही धन है जो कि खेतों में दबी हुई रहती है या गड़ी हुई रहती है। द यंग फार्मर्स कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द फार्म ईयर आफ्टर ईयर, वर्किंग हार्ड इन देयर फील्ड्स दे बिकेम रिच। उनके बेटे लगातार खेतों में कड़ी मेहनत करते रहे साल दर साल और इस कड़ी मेहनत की वजह से वो लोग बहुत धनवान हो गए। ये वर्ड वाइज वेजिटेबल्स मीन्स प्लांट्स और देयर रूट्स, फ्रूट्स ईटीसी, वेजिटेबल सब्जियां क्या होती हैं, पौधे या उनकी जड़ें या जो फल लगते हैं। कैनाल आर्टिफिशियल वाटर कोर्स, कैनाल होती है पानी की एक नहर जो बनाई जाती है, आर्टिफिशियल होती है। ट्रेजर मीन्स वेल्थ स्टोर्ड अप, जहाँ पर धन जो इकट्ठा किया जाता है वो खजाना कहलाता है। और फील्ड्स मीन्स ट्रीट ऑफ लैंड, जो ज़मीन होती है तैयार की जाती है खेत के लिए तैयारी की जाती है खेती के लिए। क्रॉप यानी प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि फसल खेती के लिए जो उत्पादन करने के लिए जो बोया जाता है फसल, जो प्रोड्यूस होती है ज़मीन के द्वारा। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छा पार्ट था, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत मेहनती होना चाहिए और माता पिता के कामों में हमें हाथ बटाना चाहिए, ना कि आलसी होकर के बैठे रहना चाहिए। जैसा कि किसान के बेटों को देर से ही समझ में आया वो ठीक है, यदि फादर के सामने ही समझ में आता तो उनके फादर बहुत खुश होते और खुशी खुशी इस दुनिया से जाते। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।